हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन में हम लोग 3 जून 2020 के सभी करंट अफेयर कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और अन अकेडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए ये मेरा डिस्काउंट कोड है Varun777। इसको अपने पास रखिए, जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो या आपके किसी भी भाई बंधु को सब्सक्रिप्शन लेना हो अन अकेडमी पर, उसको ये रेफरल कोड दे दीजिएगा, Varun777 का यूज करें और जितना भी डिस्काउंट होगा मैक्सिमम 10% डिस्काउंट उसके ऊपर उसको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, वी हैव ऑब्जर्व द एस्टैब्लिशमेंट डे ऑफ तेलंगाना ऑन विच डेट। अभी हाल ही में तेलंगाना का स्थापना दिवस हम लोगों ने किस दिन मनाया। देखो तेलंगाना की स्थापना कब करी गई थी, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को करी गई थी। तो 2 जून को हम लोग तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाते हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पूछ ये सकता है कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था। आपको ध्यान रखना है तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। कौन सा? 29वां राज्य 2014 में बना गया था। एक चीज और आपको बताऊं, 2014 में तेलंगाना को 29वां राज्य बनाने से पहले तेलंगाना के लिए स्पेशल बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो डेट क्या थी? ये डेट थी 5 दिसंबर 2013। तो 5 दिसंबर 2013 को बिल पास किया गया था और उसके बाद 2 जून 2014 ये वो दिन था जिस दिन तेलंगाना की स्थापना कर दी गई थी। तेलंगाना में इस टाइम पे सरकार है चंद्रशेखर राव की और यहाँ पे गवर्नर हैं, इनका नाम है तमिलसई सुंदरराजन। क्या नाम है? तमिलसई सुंदरराजन। और तेलंगाना का ध्यान रखिएगा, तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है ये अब हैदराबाद हो गया है और आंध्र प्रदेश का अभी कुछ टाइम पहले नया हाई कोर्ट बना है, ये है अमरावती। क्या नाम है? अमरावती। अमरावती भारत का 25वां हाई कोर्ट है। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? टोटल 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका नाम है आर श्रीलेखा। शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन विच स्टेट। आर श्रीलेखा अभी हाल ही में किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? ये केरल में पहली महिला डीजीपी बनी है। केरल में अगर बात करें तो यहां पर सरकार है पिनाराय विजयन की और यहां के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, यहां पे गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, यहां पे गवर्नर हैं गणेशी लाल। और आंध्र प्रदेश में वाई एस जगमोहन रेड्डी की सरकार है, यहां पे गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। बाय द वे आपको एक चीज और बता दूं, ये जो आर श्रीलेखा है ये सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी ही नहीं, ये एक ऑथर भी है, एक लेखिका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड टू हाउ मेनी डेयरी फार्मर्स बिलोंगिंग टू मिल्क यूनियंस एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज। भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कितने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है जिसकी मदद से ये जो किसान होंगे ये किसान मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज और मिल्क यूनियंस में जो स्कीमें होंगी इनका फायदा उठा सकेंगे। भारत सरकार की तरफ से 1.5 करोड़ किसानों को इसका फायदा दिया जा रहा है। कितने? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ किसानों को इनका फायदा दिया जाएगा अगले 2 महीने के अंदर, विद इन नेक्स्ट 60 डेज। और बाय द वे अगर हम बात करें एनिमल एंड हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के हमारे मिनिस्टर कौन है, ये हैं गिरिराज सिंह। क्या नाम है? गिरिराज सिंह। इनके पास मिनिस्ट्री है एनिमल एंड हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमईज विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ ₹5 करोड़ विल बी क्लासिफाइड इन विच कैटेगरी। क्वेश्चन का मतलब यह है कि ऐसे एमएसएमई जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का हो और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का हो, ऐसे एमएसएमई को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? मीडियम यूनिट, स्मॉल यूनिट, माइक्रो यूनिट या फिर बिग यूनिट? इनको रखा जाएगा माइक्रो यूनिट की कैटेगरी में। मुझे पता है इसमें आपको काफी कंफ्यूजन है क्योंकि अभी तक आप लोगों ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसको ध्यान से नहीं देखा है। चलिए आप नहीं देख रहे हो तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लेकिन ध्यान रखिए इसके बाद भी काफी सारा डेटा आपका छूट जाएगा, उसको जरूर देख लीजिए टाइम मिलते ही। यूट्यूब पे सर्च मारिए वरुण अवस्थी आत्मनिर्भर भारत अभियान, वो आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके स्कीम्स वगैरह देख लीजिए लेकिन देख जरूर लीजिए, फायदेमंद है आपके लिए। देखो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एमएसएमईज को रिफॉर्म किया गया है और इसके तहत भारत सरकार का कहना है कि माइक्रो यूनिट मतलब सबसे छोटी यूनिट में तो वो एमएसएमई आएंगे जिनका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 5 करोड़ तक का टर्नओवर होगा। ये तो बात हो गई माइक्रो यूनिट की।
अब देखो स्मॉल यूनिट में कौन आते हैं, स्मॉल यूनिट में वो आएंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का होगा, और इसमें जो टर्नओवर होगा ये टर्नओवर 50 करोड़ तक का होगा, इनको कहा जाएगा स्मॉल यूनिट। और मीडियम यूनिट में कौन सी आएंगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो होगा ये होगा 50 करोड़ का, और जो इनका टर्नओवर होगा ये टर्नओवर होगा आपका 250 करोड़ का। तो 250 करोड़ का अगर टर्नओवर है और 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो वो मीडियम यूनिट कहलाएगी। तो सबसे छोटी माइक्रो यूनिट, उसके बाद स्मॉल यूनिट, और उसके बाद मीडियम यूनिट। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और बिग यूनिट जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। अभी हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हम लोगों ने मनाया किस दिन, ये मनाया 1 जून को, जून की पहली तारीख को। इसको सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा मनाया गया था, और यूजुअली अगर बात करें तो इसको 26 जुलाई को मनाया जाता है, इस बार हम लोग इसको 1 जून को मना रहे हैं, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट विच एप्लीकेशन विद एक्सपोजर नोटिफिकेशन एपीआई ऑफ एप्पल एंड गूगल। क्वेश्चन का मतलब पहले ध्यान से समझो क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से एक कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो कि एप्पल और गूगल की डिवाइसेस को सपोर्ट कर रहा है। ये जो एप्लीकेशन है ये एपीआई बेस्ड बनाया गया है। एपीआई का मतलब क्या है, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो इस ऐप का नाम क्या है, आपको ध्यान रखना है, इस ऐप का नाम है स्विस कोविड। स्विस कोविड नाम का ये एप्लीकेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये लाइव ट्रैकिंग करके देगा कोविड-19 के केसेस के, लाइव ट्रैकिंग करेगा, ठीक है। तो अभी दुनिया में एपीआई बेस्ड एप्लीकेशन ये पहला लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्विस कोविड, जिसको स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, ओके। और ये जो स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसके प्रेसिडेंट कौन है, ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट है फ्रेंकोइस मेसोत। क्या नाम है, यहां पर मैं लिखता हूं, फ्रेंकोइस मेसोत, ओके। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, नए सचिव बने हैं आर के चौधरी, आईएएस अधिकारी हैं ये, इनको अभी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में नए सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इस टाइम पे किसके पास है, इसके मिनिस्टर हैं डीवी सदानंद गौड़ा। क्या नाम है, डीवी सदानंद गौड़ा। एक चीज यहां पर और आप ध्यान रख सकते हो, तो ध्यान रखिए आर के चतुर्वेदी ने किसको सक्सीड किया, इन्होंने पी राघवेंद्र को सक्सीड किया है। क्या नाम है, पी राघवेंद्र, ये आईएएस अधिकारी थे पहले सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में, अब बन गए हैं आर के चतुर्वेदी। अकॉर्डिंग टू अ स्कॉटलैंड रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन लैंड एनिमल। इन चारों में से ये कौन सा लैंड एनिमल है, अभी हाल ही में स्कॉटलैंड की एक रिसर्च में पता लगा कि दुनिया का सबसे पुराना कोई एनिमल है तो ये है जो कि आपको फोटो में दिख रहा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैंपिकेरिस ओबनेंसिस। क्या बोलते हैं इसे, कैंपिकेरिस ओबनेंसिस। ये जो कीड़ा है जो आपको दिख रहा है ये दुनिया का सबसे पुराना लैंड एनिमल है, ध्यान रखिएगा। इसके साक्ष्य भी कई जगह पर पाए गए हैं, या आप इसके ब्लूप्रिंट्स आप यहां पर इसके देख सकते हो, ओके। बाय द वे ये जो कीड़ा है इसका नाम तो आपको पता लग ही गया, कैंपेकेरिस ओबनेंसिस इसको बोलते हैं। अब यहां पर जो 3 नाम और दिए गए हैं ये भी, इनके बारे में भी आपको बता देता हूं। बोसेलाफस, ये किसका नाम है, बोसेलाफस बोलते हैं नील गाय को, नील गाय का साइंटिफिक नेम है। इसी तरीके से पैवो क्रिस्टातस किसको बोलते हैं, पैवो क्रिस्टातस बोलते हैं आपका मोर को, पीकॉक। और रेटस रेटस किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं ब्लैक रैट को, काले चूहे को, ठीक है। तो ये हो गया ब्लैक रैट, पावोस क्रिस्टातस हो गया पीकॉक, और बेसेलाफस हो गया नील गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड बाय द वे अगर यहां पर हम बात करें स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग, एडिनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएआई एंड एसएफआई। SAI का मतलब है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और SFI का मतलब है स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों ने अभी ज्वाइंटली मिलकर इनमें से कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
और स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला। इसके तहत जो एथलीट्स होंगे उनको ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दी जाएगी खेल के बारे में, जब तक लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको 1984 में एस्टैब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था, और आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर है ग्रेटर नोएडा। तो दोनों के हेडक्वार्टर और दोनों के एस्टैब्लिशमेंट ईयर जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस स्प्रिंटर इनका नाम है बॉबी मारो हैज पास्ड अवे। अभी हाल ही में दुनिया के प्रसिद्ध धावक बॉबी मारो का निधन हो गया। बॉबी मारो कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो बॉबी बिलोंग करते थे यूएसए। अमेरिकन स्प्रिंटर का भी हाल ही में देहांत हो गया, 84 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका अभी निधन 30 मई को हुआ है। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। साइक्लोन निसर्ग क्या नाम है? इस तूफान का नाम है निसर्ग। निसर्ग तूफान जो है ये हमारे कौन से राज्य के कोस्टल एरिया पर हिट करने वाला है? ये हिट करने वाला है गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया पर। साइक्लोन निसर्ग की अगर बात करें तो ये इसकी आप लोकेशन देख सकते हो, यहां पर ये है साइक्लोन निसर्ग। इस तरीके से ये आ रहा है और जो इसका रूट है ये इस तरीके से ऐसे बढ़ रहा है। जब ये ऐसे बढ़ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है ये आज के दिन मतलब 3 जून के दिन आज ये मुंबई के कोस्टल एरिया को हिट करेगा, और इस तरीके से हिट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा और आगे जाके गुजरात के कोस्टल एरिया को फिर ये हिट करेगा यहां पर। ओके, तो आप देख रहे हो अभी कुछ ही टाइम पहले, मुश्किल से 10 दिन पहले ही एम्फन साइक्लोन आया था। एम्फन कहां पर आया था? तो आपको ध्यान रखना है एम्फन 200 किलोमीटर की रफ्तार से वेस्ट बंगाल में आया था। और उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर बताया था जो बनेगा, कि वेस्ट बंगाल में एम्फन साइक्लोन आने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वेस्ट बंगाल को कितने रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी गई थी। तो अब ध्यान रखना है आज की डेट में 3 जून को मुंबई में ये हिट करने वाला है कौन सा साइक्लोन, इसका नाम है निसर्ग। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, आंध्र प्रदेश में YS जगमोहन रेड्डी की सरकार है, कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की सरकार है, और केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक, ऑलरेडी आपको बताई चुका हूं। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च्ड दिल्ली कोरोना ऐप, मोटो ऑफ दिस ऐप टू व्हाट। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है दिल्ली कोरोना ऐप। इस एप्लीकेशन का मोटो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है इस एप्लीकेशन का मोटो है इज टू ट्रैक वेंटिलेटर्स एंड हॉस्पिटल बेड। आप देख रहे हो COVID-19 के चलते आपको प्रॉपर वेंटिलेटर्स मिलना काफी मुश्किल होता चला जा रहा है, और हॉस्पिटल में अगर बेड मिल जाए खाली तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। तो ये एक ऐसा ऐप है दिल्ली कोरोना ऐप जिसकी मदद से आपको लाइव स्टेटस पता लग जाएगा, दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सभी हॉस्पिटल में किस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खाली है या फिर हॉस्पिटल बेड खाली है। प्रॉपर अगर वेंटिलेटर चाहिए तो उसकी भी करंट पोजीशन पता लग जाएगी, और बेड चाहिए तो उसकी भी पोजीशन पता लग जाएगी इस एप्लीकेशन के थ्रू। अरविंद केजरीवाल की सरकार की बात करें तो कुछ टाइम पहले ही इन्होंने दो स्कीम लॉन्च करी है COVID-19 के लिए। एक इन्होंने 5T प्लान लॉन्च किया था, और दूसरा इन्होंने ऑपरेशन शील्ड अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था जिसमें घर घर जाके COVID-19 के लिए लोगों की चेकिंग करी गई थी। साथ में ध्यान रखना है दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है इन्होंने लॉकडाउन के पहले चरण हटने के बाद स्पेशल कोरोना फी लगाई थी। किसके ऊपर? लिकर के ऊपर। तो अल्कोहल में इन्होंने 70% स्पेशल कोरोना फी लगाई हुई है जिसमें पर 100 रुपए पर 70 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे शराब खरीदने के लिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, और यहाँ पे गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के अनिल बैजाल। क्या नाम है? अनिल बैजाल। हु हैज बिकम द हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2020 फोर्ब्स लिस्ट। 2020 की फोर्ब्स लिस्ट अभी जारी करी गई है हाईएस्ट पेड एथलीट में, जिसमें सबसे ज्यादा कमाने वाले दुनिया के एथलीट कौन है। नंबर वन पे रहे रोजर फेडरर। क्या नाम है? रोजर फेडरर। कौन से देश से बिलोंग करते हैं रोजर? रोजर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई वाले ये खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल तो आपको पता ही है, ये भी टेनिस प्लेयर हैं, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और टाइगर वुड्स यूएस से बिलोंग करते हैं। टाइगर वुड्स को अभी पिछले ही साल 2019 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेसिडेंशियल मेडल से इनको सम्मानित किया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको एक क्लोजर दिखा देता हूं जिसमें आप लोग और भी चीजें ध्यान रख सकते हो कि फोर्ब लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई वाले टॉप 10 प्लेयर कौन से हैं। नंबर वन पे रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड टेनिस खेलते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको पता ही है फुटबॉलर हैं, पुर्तगाल से हैं। तीसरे नंबर पे लियोनल मेसी हैं फुटबॉलर अर्जेंटीना, नेमार चौथे नंबर पे ये भी आपको पता ही है फुटबॉलर हैं ब्राजील से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आप देख रहे हो सारे खिलाड़ी बाकी के ये सब अमेरिकन खिलाड़ी हैं। फिर है लीबॉन जेम्स बास्केटबॉल, स्टेफेन क्यूरी ये भी बास्केटबॉल, केविन दुरंत ये भी बास्केटबॉल, टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते हैं आपको पता ही है यूएस से हैं। इसके बाद किर्क कजिन्स ये भी फुटबॉल खेलते हैं और कार्सन वेंट्स ये भी फुटबॉल खेलते हैं। तो ये टॉप 10 प्लेयर्स हैं। यहां पर अगर आप एक चीज देखो अर्निंग की अगर बात करें तो 106 मिलियन डॉलर पर साल का रोजर फेडरर कमाते हैं, 105 क्रिस्टियानो रोनाल्डो और 104 लियोनल मेसी। लेकिन अगर देखा जाए सैलरी की तो सबसे ज्यादा सैलरी पूरे साल में किसकी है, सैलरी सबसे ज्यादा है अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनल मेसी की, यहां पर आप देख सकते हो ये देखिए। तो सैलरी 72 मिलियन है बट उसके बाद भी 104 मिलियन इनकी कमाई है और आप देख रहे हो सैलरी जो है वो रोजर फेडरर की सिर्फ और सिर्फ 6.3 मिलियन है बट उसके बाद भी वो 106 मिलियन कमा रहे हैं। 100 मिलियन सिर्फ और सिर्फ एंडोर्समेंट प्रोडक्ट एंडोर्समेंट से रोजर फेडरर कमा रहे हैं। तो आप देख रहे हो सैलरी में जमीन आसमान का अंतर है लेकिन केवल और केवल एडवर्टीजमेंट से रोजर फेडरर की कमाई दुनिया में सबसे ज्यादा है। ओके तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। एक चीज और ध्यान रखिए, क्वेश्चन मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि जो रोजर फेडरर है स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने अपने सिक्कों में रोजर फेडरर की इमेज प्रिंट करी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कौन से एथलीट हैं जिनकी इमेज सिक्कों में प्रिंट करी गई है, तो इनका नाम है रोजर फेडरर, ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो ये रहे हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का स्टैटिक जीके का, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतरराष्ट्रीय न्याय कोर्ट की जो हमारी हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हेग, ध्यान रखिएगा द हेग इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ 2014 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच प्लेस, 2014 में कॉमनवेल्थ को कहां ऑर्गेनाइज किया गया था। ये आई थिंक रेयर क्वेश्चन है, आप में से कम ही लोग इसको बता पाओ, मैं बताता हूं इसका आंसर। इसको ग्लासगो में ऑर्गेनाइज किया गया था 2014 के कॉमनवेल्थ को। ग्लासगो कहां पड़ता है, ये पड़ता है स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस हैज डिमांडेड फुल फ्रीडम इन विजिटेशन। एसएससी हमसे कई बार ये क्वेश्चन कर चुका है कि कांग्रेस ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग कौन से सेशन में करी थी। कांग्रेस ने अपने लाहौर के सेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। लाहौर सेशन कांग्रेस ने कब ऑर्गेनाइज किया था, कांग्रेस ने 1929 में इसको ऑर्गेनाइज किया था, ध्यान रखिएगा। ओके अगला क्वेश्चन है वन निबल कंटेन्स हाउ मेनी बिट्स, एक निबल में कितनी बिट्स होती है। देखो ऐसे समझो एक बाइट जो होती है ना, एक बाइट में आपकी 8 बिट्स होती है, ठीक है। तो एक बाइट का आधा होता है क्या, तो मतलब वन बाइट यहां पर अगर लिख दें, वन बाइट बाई टू कर दें तो क्या हो जाता है, वन निबल हो जाता है। तो अब आप देख लो एक बाइट में 8 बिट थे तो 8 बिट बाई बटे 2 कर दिया तो निबल कितने हो गए, 4 निबल होंगे, ठीक है 4 बिट्स होंगे, सॉरी 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, तो 4 बिट इज द करेक्ट आंसर, थर्ड वन इज द राइट आंसर। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट होते हैं, ध्यान रखिएगा। बाय द वे आप में से कई लोगों को ध्यान होगा इस बार एसएससी सीजीएल में सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द अवॉर्डीज ऑफ परमवीर चक्र, यहां पर इसको आगे लिख दीजिए हु इज द फर्स्ट अवॉर्डी ऑफ परमवीर चक्र, इनमें से कौन है जिसको भारत का पहली बार परमवीर चक्र दिया गया था। यह सेना का सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र, पहली बार यह परमवीर चक्र दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दें, लाइक जरा दबा के ठोकिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज की बात यहीं तक, अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए ये है मेरा डिस्काउंट कोड, इसका यूज करिए और अपने भाई बंधुओं को भी इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। कल फिर इसी टाइम सुबह 6 बजे मुलाकात होगी आपके साथ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को लेकर।
बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।